हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर बहुत ही बड़ा न्यूज निकल कर आया है। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सेम एक ही वीडियो डालते हो और कोई सबूत नहीं है कि कब तक शुरू होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जून महीने से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानें होंगी। कहां कहां उड़ानें होंगी, कहां कहां से नहीं होंगी, इसके बारे में फुल डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। कब से जो टिकट बुकिंग का प्रोसेस है वो कब से होगा। और साथ में दोस्तों बता दें कि अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों में रहते हैं और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं या फिर यहां से उड़ान भरना चाहते हैं, तो आज का जो न्यूज है वो खास आपके लिए है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत ही जल्द उड़ान हो सकती है, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि उड़ान नहीं होगा और बहुत दिनों से कह रहे हो कि उड़ान होगा होगा लेकिन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहां से न्यूज निकल कर आई है, कौन कह रहा था कि जून में होगा उड़ान, है इसके बारे में आपको पूरा फुल में इसका प्रूफ दूंगा। और दोस्तों बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए बहुत सारे भाई लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। इधर के बहुत सारे भाई लोग कमाने के उद्देश्य से सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों में गए हैं। वो लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि हम लोग यहाँ से हैं और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारे भाई लोग बताए थे कि हम इस गांव से हैं और सऊदी अरब में रहते हैं। कोई भाई कमेंट करके बताया था कि हम कतर में रहते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस गांव से हैं, किस जिला से हैं और कहां पे रहते हैं। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, कि जो न्यूज निकल कर आई है वो कैसा है, कब तक कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान होगी, क्या जून जुलाई में उड़ान हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर के जो राज्यसभा के सांसद हैं आरपीएन सिंह, जो पहले तो कांग्रेस में थे अब भाजपा में चले गए हैं, उनसे जब गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर ने जब उनसे पूछा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान कब होगी, इतना देरी क्यों लग रहा है और सिर्फ एक नाम के लिए एयरपोर्ट है कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो रडार का जो सिस्टम है वो नहीं है, वो बहुत ही जल्द लग जाएगा। और पहले जो एक दो उड़ानें हुई थी वो गोरखपुर रडार से होती थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर रडार नहीं है इसलिए इंटरनेशनल उड़ानें नहीं हो पा रही हैं। और आगे उन्होंने पूछा कि कब तक यहाँ से इंटरनेशनल उड़ानें हो जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि देखिए रडार जब लग जाएगा और उसके बाद से जितने भी गल्फ कंट्री हैं, साथ में जितने बौद्धिस्ट कंट्री हैं, चूँकि कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, तो बहुत सारे बौद्धिस्ट कंट्री के लोग यहाँ पर आते हैं, साथ में इधर की बहुत सारे गल्फ कंट्री में कमाने के गए हैं, तो सबके साथ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ जाएगा। और उन्होंने कहा कि देखिए जुलाई या फिर जून महीने में यहाँ से उड़ान होने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, तो मैंने प्रूफ दिखा दिया। और दोस्तों अब आप लोग का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है और बहुत ही जल्द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई के लिए उड़ानें होंगी। इसके बारे में जो भी कोई नया अपडेट आएगा वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।